इसका क्या करेंगे? ये क्या बना रहे हैं? मम्मी देखो गाजर के हलवे की तैयारी चल रही है। गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। हेलो कर दो मम्मी। हेलो 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 गाइस तो बोल दो। किन्नु कर दियो। यूट्यूब फैमिली। हेलो यूट्यूब फैमिली बोलो मम्मी। क्या यूट्यूब फैमिली न्यू? हाँ यूट्यूब न्यूट्यूब यूट्यूब फैमिली न्यूट्यूब फैमिली टैको फैमिली पता नहीं बोल बुढ़िया ट्यूब फॉर अटैक फैमिली मम्मी बुढ़िया फिर क्या हो गया बुढ़िया है तो पंजीरी बन गई पंजीरी मैं बनाती पंजीरी अब पिकट मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी मम्मी पंजीरी बनाने लग रही है रात ने बनाऊंगी रात ने बना रही है मम्मी पंजीरी कौन पर रात ने तो मैं जाऊं कहां मामे के घर जाऊं ईशु तो बैठा ना आके क्या कर रहा है शुदा देख रहा है पेंटिंग रेफर लिंक उसका डालना है 100 डॉलर वाली का जो दूसरी लगाई है हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलोगे मेरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर गाइस यस ही का हैप्पी न्यू ईयर गाइस हेलो जी गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली एंड हैप्पी न्यू ईयर ये मेरा वीडियो है 1 तारीख का सुबह का और यहाँ पे ना मम्मी पंजीरी बनानी थी मम्मी ने थोड़ा सा आटा भून के रख दिया और मेरे को थोड़ा कच्चा लगा तो मैंने और उसको अच्छे से भून लिया है तो मम्मी बना रही थी जैसे पंजीरी तो मैं मेरे को आती नहीं मैं सीख रही थी मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं बताऊँगी ऐसे ऐसे ही बनाते जाइए तो मैंने देखा है बनाते हुए बस मम्मी अपनी मम्मी को देखा है बनाते हुए लेकिन कभी अपने हाथ से कभी नहीं बनाई आप फर्स्ट टाइम है जो मैंने पंजीरी के लिए घी डाला है कढ़ाई में और देसी घी डाला है इसमें मम्मी ने डाल दिए मखाने क्योंकि जब जो मैं देख रही थी ना मेरी मम्मी का तरीका कुछ और था बनाने का तो मम्मी कुछ और तरीके से बना रही थी मैं क्या चलो जैसे ये बता रहे हैं वैसे भी हम सीख ही लेते हैं तो आटा जो भून के रखा था वो अभी इसमें डाल दिए मखाने जो ड्राई फ्रूट थे और मम्मी ने उनको क्रश करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया मैंने इसमें और डाल दिया है शुगर मतलब बूरा होता है ना पिसी हुई चीनी वो डाल दी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया तो घी ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था घी मम्मी बोली ज़्यादा घी हो गया इसमें क्योंकि घी ना ऊपर तैर रहा था क्योंकि मुझे क्वांटिटी पता नहीं है इतनी जितना मम्मी ने बोला मैंने डाल दिया लेकिन अपने हाथ से पहली बार मैंने पंजीरी बनाई थी मस्त बनी थी अच्छी थी मीठा मीठा सब बहुत टेस्टी बन गई थी अपने मेरे हस्बैंड कभी खाते नहीं है इस चीज़ को लेकिन मैंने उनको टेस्ट करवाई उनको अच्छी लगी तो जी यहाँ पे ना फिर शाम का टाइम हो गया था तकरीबन 6:30 हो रहे थे ये हम लोग रेडी होके जा रहे थे मैंने एक फंक्शन में जाना था तो देखो रोड बहुत सुनसान रोड और ठंड इतनी और हम पहुँच गए थे फिर नानी के घर जाना था मैंने अपनी नानी के घर गए हम ये मेरी मौसी है जो हिमाचल से आई थी इनको भी अंधेरा हो गया था और ये मेरे मम्मी हैं और साथ में मास्टर जी भी खड़े हैं हम अंदर गए ये भाभियाँ हैं हमारी 3 और सब मिले जितने भी रिश्तेदार आ रखे थे सब मिल रहे थे क्यूट क्यूट बच्चे ये मेरे बड़े दीदी हैं जो सेक रहे हैं देखो आते इनको ठंड चढ़ गई जो भी आ रहा था सब सेकते जा रहे थे ठंड भी बहुत हो रही थी रात के टाइम तो बहुत धुंध पड़ रही थी तो पहले सब ने यहाँ पे ताप लिया सब ने फिर चाय पी उसके बाद जाके खाना वाना तो लेट ही खाया था सब ने पहले जहाँ जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर ना टाइम का पता चलता है ना भूख का पता चलता है बस चाय पी जा रहे थे जब भी आए चाय जो बना रहा चाय जिसके घर जाए वो चाय तो सब अच्छा लग रहा था तो ये बहू हैं जो पहली बार आए यहाँ पे पहली बार मिली है बेचारी हमें इसको मैं इसको बोल रही थी हाथ छोड़ के भाई कभी हमारे घर भी आया करो आती नहीं है तो इधर मौसीर बोल रहे थे कि सब आएंगे अब आएंगे सबको ये मेरे मामी जी हैं छोटे मामी जी हैं जिन्होंने जागरण करवाया है ये इनका मंदिर है घर पे और
हम लोग ना फिर खाना खाया हमने, 10:30 का टाइम हो गया था, तब जागरण स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पहले सब खाना खा रहे थे। फैमिली बहुत बड़ी है, रिश्तेदार भी थे, फिर गांव के हो गए, टाइम हो गया ऐसे ही, कुछ ठंड का टाइम था तो हम लोग टेंट में खाना खाने नहीं गए क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। तो मैं बच्चों को यहीं पे बेड पे ला के घर, मतलब मम्मी के घर पे ही आके हमने खाना खाया फिर रात का। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम जागरण में गए। तो जो इतनी चीज तेरे धोरे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े थे लेके आई? ये सारी की साथ सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ। सारी की सारी? सारी की सारी, मतलब सारी अपनी पीहर ते ले आई है? सारी पीहर ते ले आई। मेरी पीओडी एक भी चीज को? एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी? सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी? लेकर आया कुछ होगी यार, कितने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। जो सूट पहरी है कड़े ते लेकर आई? अपने पीहर ते। आगे न मुंह करके बता। पीहर ते लाई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी है, तो मैं के झूठ बोलू, सारा अपने पीहर ते लाई हूँ। एक दो इन माते बिचोला भी बैठा है। इनका बता, तू सारी चीज पीहर ते लाई है? सारी पीहर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पीहर ते। या चुन्नी? पीहर ते। गले में चैन? पीहर ते। हाथ की अंगूठी? पीहर ते। ये पजेब? पीहर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं, सारी याद है, मेरा दिमाग ना सही काम कर रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी बता थोड़ी है। पूछ। सूट कितने लाई? पीहर ते। चैन? पीहर ते। चुन्नी? पीहर ते। कान के? पीहर ते। नाक के? पजेब? पीहर ते। अरे गणेश? पीहर ते। कौन सा गणेश? पीहर ते ना लाई हूं। मैं पहले कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी, तो यह चीज तो यहीं से ली है मैंने। अच्छा, सुन ले मैं। तो गाइस, पहले यहाँ पे आलू के परांठे बन रहे थे, लेकिन अब मेथी के परांठे बनने लग गए हैं। नानी घी लगा रही है सब पे, और हमारी मामी बेल रही है। छत से जाके मैंने पूरा गांव देखा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब नानी के पास आया करते थे। नाना नानी नहीं है अब, लेकिन बहुत सारी यादें थी उनकी। और मैं ऊपर चढ़ के जब मैंने पूरा गांव देखा कि हम लोग कहाँ खेलते थे, कहाँ जाते थे नानी के साथ, यहाँ पे नाना नानी रहते थे। मैं नीचे जा रही हूँ, और अभी थोड़ी देर के लिए नानी ब्लॉग करेंगी। चलो देखते हैं नानी की ब्लॉगिंग भी। इधर चौकीदार, यहाँ पे खाने वाला भी बैठा है। ये रजियोनी है बड़ी मम्मी, बताइए कहते कौन ये बोल दे, मेथी के परांठे बहुत टेस्टी है, मुझे तो एक ही खाना था पर मैं दो चार खा गई हूँ। कहते आइए आइए, आप भी खाइए, टेस्टी बनाए हैं। रख दो क्या? पूजा ढाबा ने बड़ी अच्छे परौने बनाए हैं, जो हाँ मैंने दो खाने रोटी बनाई है पूजा भाभी। मेथी के गर्मा गर्म परोठे, हरी मिर्च डाल के, देसी घी लगा के, ऐड हो गया। जगराता था सारी रात, नींदे रहे हम, अरीब में हम बैठे है, रोटियां खा रहे हैं, अभी अपने अपने घर में चले जाएंगे। मेरी रोटी बन रही है, चले जाएंगे सब रिश्तेदार गेस्ट। कैसी रोटी है? एक भी रोटी बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी परांठा बनाया है। धुआं निकल रहा है, अरे धुआं तो निकला का मुंह में तो निकला।
सब लोग यहाँ पे चलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सब ने खाना खा लिया था। सुबह का नाश्ता परांठे वगैरह बनाए थे चूल्हे पे, बहुत टेस्टी लगे। चूल्हे की रोटी तो कभी कभी नसीब होती है हमें। और यहाँ पे सब बच्चों से मिलके हम रेडी तो हो गए थे मिलके, और मम्मी को छोड़ के चले गए, मतलब सबसे जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत कुछ याद आता है, सबसे मिलके इकट्ठे रहने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या है ना, ये भाभी हो रहे हैं, ये मुझे सूट वगैरह दे रही थी कि हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मान आदर करते हैं, जैसे बहुत कर रही थी क्योंकि पता मैं लेती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत गुस्सा करते हैं कि ना किसी से ऐसे लिया मत कर, किसी के आए तो अपने ही हैं फिर भी बहुत करते हैं। मैंने बोला इनको कि भात आ रहा है, अब भात में ले आना मेरे लिए यही सूट, और ऐसे मत दो मुझे, अभी खर्चा बहुत हो जाता है क्योंकि अभी देंगे तो 4 दिन बाद फिर भात में देंगे। तो मैं उनको मना ही कर रही थी कि आप रहने दो, ये सब मत दो मुझे, तो मैं इकट्ठा ही दे देना। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे चलने की तैयारी क्योंकि इनके पापा पहले तो मासी मासर जी को छोड़ने गए बस में चढ़ाने के लिए, और उसके बाद हमें लेकर जा रहे हैं अब हम अपने घर को। ठंड बहुत है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।